अच्छा 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे गुरु परम वंदे सच्चा सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार को अलका जी शाखला सूरत से हमारे साथ जुड़ती है और हमें मार्गदर्शन देती है। तो आज अलका जी ने जो टॉपिक रखा है प्राणायाम के अंदर कुंभक का क्या महत्व है, हम सब जानते हैं प्राणायाम के ऊपर हमने बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया एक श्रृंखला भी हुई थी हमारी। तो कुंभक कितना जरूरी है इसके बारे में हम बात करेंगे, और कुंभक किस तरह से किया जाए, कितने प्रकार के कुंभक है, इन बातों पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ हम प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा, अलका जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन शुरू करें। आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओवर टू यू। थैंक यू आनंद भाई जी and everyone most welcome thank you please video on कर दीजिए। ममता जी, तरुणा, संगीता जी, ज्योति, कितने लोग जुड़ते, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके, थैंक यू आशा, तो सभी वीडियो गुड गुड, प्रताप भैया थैंक यू, तो बहुत मजा आता है जैसे एक एक वीडियो आप ऑन करते हैं तो और मन फ्रेश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और बाकी बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए जब तक वीडियो ऑन होते हैं चलिए तब तक हम प्रार्थना वगैरह कर लेते हैं हमारे नियम के अनुसार, मन को शांति मिले, आनंद मिले। जब क्लास में आते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं तो सारा, कभी लेट उठते, कुछ तैयारी होके आते, कभी अचानक आके बैठते तो मन में चिंता विचार बहुत चलते रहते हैं। तो आके शांति से अगर 3 बार ओंकार करेंगे तो सब कुछ हम भूल जाएंगे और पूरा ध्यान हमारा यहाँ केंद्रित होगा। तो उसके लिए मैं आप सबको नम्र निवेदन करती हूँ कि प्रार्थना के लिए तैयार, सभी को रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, हाथ की कोई भी मुद्रा करे, वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा या कोई भी मुद्रा, प्राण प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, जिसको जो जरूरत है, अपने कंफर्टेबिलिटी जिसमें है उसी मुद्रा में बैठे और फिर सबसे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ ओंकार का उच्चारण करना है।
ओंकार चैटिंग में सबसे पहले लंबा श्वास लेना ना भूले, म के लिए अधिक समय देना है, तन्मयता के साथ एक साथ सभी करेंगे श्वास भरे। शांति, आनंद और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ हृदय के पास स्थापित करें, आनंद केंद्र पर प्रार्थना, एक साथ सभी प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। सभी गुरुओं को याद करते हैं, योगा डे आ रहा है, अपने आप को जागरूक करते हैं। वैसे तो सभी यहाँ जुड़ने वाले जागरूक ही है, पर और विशेष रूप से आज हमें जो जानना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मुझे पता है कि प्राणायाम करते तो कुंभक तो ऐसे हम जानते भी हैं, सभी सभी श्वास रोकना जानते हैं, सबको पता है, परंतु जिस तरह क्लियरिटी होनी चाहिए ना टॉपिक की, टू दी पॉइंट, एक छोटी छोटी बातें, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो करने से क्या होता है, जो करते हैं उसमें और सुपेरियरिटी आती है और बेनिफिट्स अधिक मिलते हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए, इसको जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम। सबसे इम्पोर्टेंट तो प्राणायाम है, आपने जान लिया कि अपने को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो योगा के साथ, आसन के साथ प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम में क्या इम्पोर्टेंट है, प्राणायाम में क्या इम्पोर्टेंट है, करने से वो एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को मिलती है और उसी से हमारा सारा लाइफ स्टाइल चलता है। वही तो प्राणायाम का आत्मा है। इम्यूनिटी नहीं संगीता जी, इम्यूनिटी तो प्राणायाम करने से बढ़ती है, बढ़ती है इम्यूनिटी, प्राणायाम करने से बढ़ती है प्राण ऊर्जा। करेक्ट, यस। कोमल जी के लिए एक बार ओम अरहम कोमल, बहुत बढ़िया। प्राण ऊर्जा मेन तो प्राण है। प्राणायाम हमने सीखा, प्राणायाम में तो हम ऑक्सीजन लेते, यही हम जानते थे ना पहले कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते, ठीक है। अब तो प्राण का आराम नहीं, अब ये सब चीजें नहीं है झा जी, ये झाबा जी, केवल प्राण। तो अब इसीलिए मैं क्लियरिटी करती हूँ कि हमने पहले ये समझते थे कि प्राणायाम करना मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। और इतनी क्लास करी मैंने, इस क्लास का बेस मैंने यही बताया कि ऑक्सीजन से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्राण है। और अगर ऑक्सीजन जिंदगी भर मिलता रहेगा तो आदमी जिएगा, नहीं प्राण गया जीवन खत्म। तो
ऑक्सीजन चालू रखने से अगर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, एक पॉइंट आता है डॉक्टर क्या बोलता है, निकालो ऑक्सीजन, अब कोई काम नहीं होगा, प्राण गया। तो ये बात आप दिमाग में क्लियर करो ना अपने थोड़ी सी, कि प्राणायाम में इम्पोर्टेंट क्या है, प्राण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, प्राण इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या होता है प्राण से, प्राण जिसे नाड़ी भी कहते हैं, चलो नहीं सॉरी, प्राण को नाड़ी नहीं कहते, शरीर में हजारों, उदाहरण मैं देती हूँ, शरीर में हजारों ग्रंथियां है जिन्हें हम नाड़ी कहते, छोटे छोटे छोटे, कितनी नाड़ियां है शरीर में हम जानते हैं, कितनी नाड़ियां जिसके कोई गिनती नहीं कर सकेंगे हम, कितनी लंबी है उसका भी नहीं करते, इन सब में से प्राण गुजरता है, इन सब में से प्राण गुजरता है और उसके कारण हमारा आभामंडल बनता है। तो समझिए कि प्राण कितना इम्पोर्टेंट है, प्राण शरीर के प्राण शक्ति से बहुत सारी चीजें होती है। चलिए एक दो चीजें आप बता दीजिए कि प्राण से क्या क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंट बातें एक दो बताइए आप। जैसे मैंने पहला बताया कि सूक्ष्म ग्रंथियों में जो ऊर्जा केंद्र है तो वो सारे नाड़ी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, और प्राण कहाँ जाता है, किसको प्राण त्राण देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी यानी ऊर्जा, बिल्कुल सही है, प्राण से ऊर्जा मिलती है, किसको ऊर्जा मिलती है मधु जी, शक्ति साधना होती है, मस्तिष्क को मिलती है बराबर, पर उसके ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीजों को भी मिलती है, मेन बातें शरीर में जो है वो, इसी से हमारे क्लियरिटी हो जाती है, प्राण इम्पोर्टेंट है वो सूक्ष्म नाड़ियों में जाता है, और दूसरा ऊर्जा केंद्र है ना हमारे शरीर में, कौन से है ऊर्जा केंद्र, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं ऊर्जा केंद्र, तो उस ऊर्जा केंद्र, कौन से ऊर्जा केंद्र, मतलब वो ऊर्जा केंद्र का इम्पोर्टेंट है, वो ऊर्जा केंद्र को ऊर्जा मिलती है, ये चैतन्य केंद्र एक नहीं है शुक्ति, एक केंद्र नहीं होता है, जैसे ऊर्जा मिलती है वो शरीर को नहीं मिलती है चंदू जी, एक एक पॉइंट को ले रहे हैं, शरीर को तो पूरे आ गया तो सब कुछ हो गया, जैसे शरीर में पहले नाड़ियों का इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरा इम्पोर्टेंट किस चीज का है, चक्रास, करेक्ट मधु जी ने लिखा है राइट, तो सबसे पहले नाड़ियों को और दूसरा हमारे 7 चक्र या 13 चैतन्य केंद्र, इसको ऊर्जा केंद्र कहते कहते ना हम, ये ऊर्जा केंद्र है शरीर में, तो प्राण क्या होता है, सब चक्रों को मिलता है, और जब सारे चक्र संतुलित होते, सारे चक्र एक्टिव होते तो हम स्वस्थ हो रहते, तो इसीलिए हम ये प्राण भी समझ, देखो इतने क्लास होने के बाद भी अभी भी सीधे सीधे जवाब नहीं आते मुझे, फटाफट जवाब नहीं मिलते हैं मुझे, बार बार उसको उल्टा टेढ़ा करके उसके बारे में कुछ बोल के बताना पड़ता है। अच्छा, और एक प्राण शक्ति की अच्छी मिल गई तो मनुष्य में एक और अच्छी चीज होती है, वो कौन सी होती है, नहीं चलिए समय ना जाए इसलिए मैं फटाफट बता देती हूँ, देखो एक होता है परिस्थिति, होती है कि नहीं, एक परिस्थिति, एक होती है वस्तु स्थिति, और इन सब से डिपेंड क्या होता है, मन स्थिति होती है, और प्राण मिलने से मनुष्य की मन स्थिति एकदम शांत स्थिर प्रसन्न रहते हैं, देखो कुछ कुछ मनुष्य बहुत अस्थिर होते हैं, स्थिरता ही नहीं होते उनमें, मन में उथल पुथल उथल पुथल चलती रहती है, ना मन स्थिर होता है, ना वो सुखी होते, ना वो शांत होते हैं, ना वो उत्साही होते हैं, सदा देखो तो एकदम थकान आलस, ये सब जिंदगी में जीने के लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो सारी बातें हमको किससे मिलती है, प्राण से मिलती है, तो मुझे लगता है कि यही बातें हमें बहुत बहुत बार रिपीट करनी पड़ती है, सब सिखाने के बावजूद भी आपको वापस बताने पड़ रही है, तो ध्यान रखिए ज्ञान के अभाव में, ध्यान से सुनना, ज्ञान के अभाव में और सांस पर ध्यान न देने, दो चीजें हैं, एक तो हमारा ज्ञान कम, ज्ञान देते तो हम भूल जाते हैं उसको, हम पकड़ के नहीं रखते, यहाँ फिट नहीं करते, कंप्यूटर कैसे इंपॉर्टेंट बात बताए तो फिट कर लेता है, तो प्राण को फिट कर दो यहाँ कि भाई इसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, तो इस प्रकार हमें ज्ञान को पर ध्यान व्यवस्थित रखना है, और दूसरा पूरा रात दिन
संकल्प करो एक, केवल सांस पर ध्यान देना है, पूरा ध्यान स्वाद पर। मुझे पता है विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, पर सांस पर ध्यान देना एक संकल्प काफी है जीवन को उजागर करने के लिए। एक संकल्प काफी है जीवन को उजागर करने के लिए। क्यों ना हम योगा दिन के निमित्त संकल्प करें कि कुछ भी हो, जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैं पानी पीता हूँ, जैसे मैं चाय पीता हूँ, आवश्यक चीजें, टॉयलेट जाता हूँ, आवश्यक चीजें करता हूँ, वैसे मैं 10 मिनट सांस देखूंगा, मैं 10 मिनट समताल श्वास का प्रयोग करूंगा। मेरे मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड किया है उसमें रोज 10 मिनट की नोंद होनी ही चाहिए, 10 मिनट। मधु जी की तो मुझे दिखती है, बहुत सारे लोगों की तो मुझे दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सुंदर, ठीक है, थैंक यू झाबा जी। ये तो शुरुआत है, और तो बहुत है। मनुष्य की नाड़ियां प्राण के प्रवाह में हमेशा रुकावट आती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है झा जी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है झाबा, और इसके कारण हमारे नाड़िया में संतुलन नहीं रहता है, वो बैलेंस निकल जाता है, और वो जब रुकावट आ जाती है तब चिंता शुरू हो जाती है, तब मन अस्थिर होता है, तब इधर उधर मन भटकने लगता है। तो ये सब तकलीफ कहाँ होती है? पहले सूक्ष्म जगह होती है, पहले सूक्ष्म तकलीफ आती है ना, वो पहले सूक्ष्म जगह आती है, यानी क्या, सबसे पहले उत्पन्न होती है वो प्राण शक्ति में तकलीफ शुरू हो जाती है, प्राण शक्ति में तकलीफ होती है, और उसके बाद वो तकलीफ और जगह बढ़ जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको श्वास को देखना है, सीखना है, तो आपको करना पड़ेगा। देखो मार्क्स में देखेंगे तो मेरे पास मधु जी के सबसे अधिक मार्क्स होते हैं। मधु जी इस पर काफी अच्छा काम करती है, आज भी सुबह वो करके आई है, करके आई है, समताल श्वास प्रेक्षा मधु जी करके आई है। देखो आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला, तो मेरे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े, अनिल बैंगानी है और बहुत सारे नाम है, अशोक जी है, कितने सारे नाम है, आनंद भैया है, संगीता है, बहुत सारे लोग है, पर किसी ने आज सुबह उठ के किया नहीं है। मधु जी ने आज उठ के किया है, किया है ना मधु जी? यस। तो मुझे कैसे पता चलता है? तो आपको पता है हमें ग्रुप बनाया है और ग्रुप में हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, और जिसको ग्रीन टिक मिलेगी, ग्रीन टिक आते उसने उस दिन किया। तो मुझे एक बात बताइए, आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अच्छा रहना है, तो आप क्यों नहीं समताल श्वास प्रेक्षा रेगुलर कर रहे, कम से कम 10 मिनट? क्या आज संकल्प कर सकते हैं कि योगा डे के निमित्त हम संकल्प करेंगे कि हम रोज 10 मिनट पूरा ध्यान श्वास पर देना है, और उसके लिए मुझे टाइम मिलता नहीं तो मैं निकलूंगा। अभी आप लोग कहीं भी बैठते हो, चलो अभी किसी के वेट कर रहे हो, 2-5 मिनट कोई आ नहीं रहा है, और किसके लिए आप बैठे हो तो सोचते क्यों नहीं आ रहा है, मेरा टाइम जा रहा है। अरे उसके बदले आप अपना ऐप चालू करो, मेरा समताल हो जाएगा तब तक। पॉजिटिव रहो ना, आप निगेटिव रहोगे, लाइफ में भी प्रॉब्लम, मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम, जीवन में भी प्रॉब्लम, और आप समताल करोगे तो शांत रहोगे, आने वाले पे गुस्सा नहीं करोगे, कितने सारे फायदे हो जाएंगे, एकदम शांति से बैठो। तो ये समताल श्वास के लिए ग्रुप लिंक प्लीज भेजिए। अच्छा ठीक है स्मिता जी, मैं वापस आनंद भाई जी को बोलती हूँ कि लिंक भेजे, और मेरा ग्रुप भी भेज देती हूँ। मेरे ग्रुप का नाम है स्पिरिचुअल सीकर ग्रुप 2, स्पिरिचुअल सीकर ग्रुप 2 है। मेरे दो ग्रुप हो गए, पहला ग्रुप फुल है, 50 का एक ग्रुप होता है, और मेरा दूसरा ग्रुप चालू है। तो आज के आज मेरे ग्रुप में सब जुड़े, और तब 10 मिनट समताल श्वास प्रेक्षा करके देखिए, ठीक है? चलिए अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, और प्रैक्टिस भी करनी है हमें। सबसे अधिक प्राण ऊर्जा भरने में, नाड़ियों का शुद्धिकरण करने में, तो हमें कौन सा प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है? आप बताइए मुझे कि हमें क्या करना है। एक तो पूरे नाड़ियों को शुद्ध करना है, नाड़ियों को शुद्ध करना है,
और सभी नाड़ियां अच्छी चले इसके लिए हमें एक प्राणायाम करना है, और वो प्राणायाम बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। वो प्राणायाम भी मानते हैं, और प्राणायाम के पूर्व उसको शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। कौन सा ऐसा प्राणायाम है बोलो, लिखिए कौन सा प्राणायाम करेंगे तो आप नाड़ी शुद्धि के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। क्यों, अनुलोम विलोम? नहीं, हाँ एग्जैक्टली, नाड़ी शोधन, करेक्ट अशोक भैया, नाड़ी शोधन। बस अब हो गया, सूर्य नाड़ी वगैरह नहीं, केवल नाड़ी शोधन। देखिए स्टेप बाय स्टेप जाना है। अनुलोम विलोम मैंने क्या बोला, श्वास लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, ये नाक से लेगा इधर से छोड़ेगा इधर से लेगा, ये सुपर फास्ट है। हमें सुपर फास्ट में नहीं बैठना है, हमें पैसेंजर में बैठना है। श्वास लेना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है, फिर रोकना है, फिर दूसरी बाजू से लेना है। ध्यान रखो, ये नाड़ी शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शुद्धि क्रिया भी बोला चुके हैं। मेरे को नाड़ी शुद्धि पे पूरा एक क्लास लेना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, नाड़ी शुद्धि के जो जो दो प्रकार होते हैं, आपको पता है किसी को नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार होते हैं, किसी को मालूम है? नहीं मालूम होगी, मुझे पता है, नहीं मालूम है। संगीता जी पता है नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार कौन से होते हैं? ये आप लोगों को नहीं पता है, मुझे मालूम है, फिर भी एक बार मैं आपको पूछती हूँ कि नाड़ी शुद्धि के डीप में जाना बहुत जरूरी है, तो नेक्स्ट क्लास हो सके तो हम नाड़ी शुद्धि पे लेंगे, पर ये जानना। और देखो दो प्रकार की ये शुद्धि क्रिया है, इसको ये है ना पतंजलि में नहीं दिया हुआ है, ये दिया है हठ योग में। जब तक हम हठ योग क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा प्राणायाम क्लियर नहीं होगा। दो ग्रंथ है, आप ध्यान रखिए। अभी ये बीच में भ्रामरी का क्या आ गया संगीता जी? भ्रामरी का कोई संबंध ही नहीं है इसमें, ईड़ा पिंगला छोड़ दो, अभी ये बातें चल नहीं रही है। जिस पर लिखने में आप टाइम को वेस्ट करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो मेन बातें भी छूट जाएगी। अभी भ्रामरी ईड़ा पिंगला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भ्रामरी है, नाड़ी शुद्धि नहीं है, और ईड़ा पिंगला को भी नाड़ी शुद्धि नहीं करेंगे। देखो ये ग्रंथ में दो नाम दिए, एक नाम दिया है समनु, समनु समनु समनु, और दूसरा नाम दिया है निर्मनु। समनु और निर्मनु ये दो शुद्ध क्रिया है, इसका विस्तृत वर्णन हठयोग में दिया है, तो हम ये दो चीजें बाद में जानेंगे, पर इतना है कि हमें नाड़ी शुद्धि में डीप में जाना जरूरी है, इतना नोट कर लीजिए। आगे हम इसकी स्पेशल क्लास लेंगे। तो हम नाड़ी शुद्धि करेंगे तो प्राणायाम के लिए इम्पोर्टेंट कहते हैं, तो हठ योग में लिखा हुआ है, मलाकुलासु मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यमाहा। मतलब मल से, मलाकुलासु मतलब मल से भरी हुई नाड़ी, वातावरण के कारण, विचारों के कारण, सबसे क्या होता है, हमारी नाड़ी मल से भरती है, और जब ये नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, ये नाड़ियां शुद्ध हो जाते है, कथम स्याद उन्मी भाव कार्य सिद्धि कथ भवे। अब ये नाड़ियां शुद्ध नहीं होगी तो कहाँ से पूरा हवा क्लियर जाएगी नीचे, कहाँ ऊर्जा चक्र केंद्र पर पूछेगी पहुंचेगी, कहाँ होगी? तो यदि शरीर की नाड़िया में, ध्यान से ध्यान रखो, यदि शरीर के नाड़ियों में मल है, अशुद्धि है, तो प्राणायाम के माध्यम से अर्थात सुषमा का मार्ग व्यवस्थित प्रवाहित नहीं होगा। जहां भी रुकावट है, जहां भी अशुद्धि है, जहां भी प्रॉब्लम है, समझ लो श्वास जाते जाते अटक जाएगा। अगर ये अटक गया तो वो ना नाड़ियों को शुद्ध करेगा, ना चक्रों तक पहुंचेगा, और चक्रों तक नहीं पहुंचेगा, नाड़ी तक नहीं पहुंचेगा, तो मनस्थिति कैसे ठीक होगी? क्योंकि परिस्थिति खराब हो गई ना, क्योंकि रुकावट आ गई ना। वस्तु स्थिति को जानो, वस्तु स्थिति क्या है कि हमारे नाड़ी में मल है, हमारी नाड़ी अशुद्ध है, और ये अशुद्ध नाड़ियों को जब तक शुद्ध नहीं होगी, नाड़िया यदि अशुद्ध होगी तो ये उन्मनी भाव यानी ये प्रवाह जाएगा नहीं, और जो हमारा उद्देश्य वो सिद्ध होगा नहीं, क्योंकि हम पूरा का पूरा सब फायदा नहीं ले पाएंगे। इसीलिए
हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, कुंभक करने से पहले ये सब चीजें जरूरी है। आप बोलेंगे विषय तो कुंभक दिया है, बात तो आप प्राणायाम की कर रहे, बात तो आप नाड़ी शुद्धि की कर रहे, परंतु ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। क्योंकि कुंभक तभी अच्छा होगा जब भी ये नाड़ियां शुद्ध होगी। तो ये जो नियमित प्राणायाम करेंगे तो इतना अच्छा, रोज आप जैसे मैं बोल रही हूँ समतार श्वास करो, वैसे नियमित प्राणायाम भी करो। जब योगी, जब श्रावक नियमित अच्छा प्राणायाम करेंगे तो अपने आप मल दूर हो जाएगा और सुषुम्ना में अच्छी तरह से प्रवाह जाएगा। तो इसको जानना बहुत 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 जरूरी है। तो चलिए एक बार नाड़ी शुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अगली बात पे चलते हैं। तो चलिए सभी सीधे बैठे, जिस आसन में सुविधा पूर्वक आराम से आप बैठ सकते हैं वही पोजीशन दीजिए। जो नीचे नहीं बैठे हैं और कुर्सी सोफा पे बैठे हैं वो भी अपने पोजीशन एकदम सीधी करे, यानी रीढ़ की हड्डी को सीधी करे, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। हाँ तेरा शाम पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे, शरीर की सभी पेशियां यानी पैर से लेके सिर तक शिथिल शिथिल करे, क्रमशः शिथिल करते हैं, हम इतना नहीं करेंगे, केवल ध्यान रखेंगे। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है और शिथिल। छोड़ दो छोड़ दो, कल्पना करो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। छोड़ दो शरीर, शरीर को रिलैक्स करने के बाद प्रतिमा के भांति स्थिर अड़ो, कोई हलन चलन ना करे, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाएगा वैसे वैसे श्वास मंद होने लगेगा। तो श्वास को मंद करें, सबसे पहले दीर्घ श्वास का अभ्यास करें और उसके बाद नाड़ी शुद्धि। तो चलिए पूरा ध्यान श्वास पर देते हुए प्रयोग शुरू करें। मैं आपको अंक नहीं दूंगी क्योंकि प्रत्येक की मर्यादा कम ज्यादा हो सकती है, कोई 8 अंक तक ले सकता है, कोई 10 अंक तक ले सकता है, छोड़ने में किसी को 15 भी लग सकते हैं, 10 सेकंड भी लग सकते हैं। तो अपने हिसाब से दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। तो श्वास भरे पूरक करे, श्वास भरे, नाड़ी शोधन नहीं कर रहे हैं चंदू जी, हम केवल दीर्घ श्वास का प्रयोग कर रहे हैं पहले। तो केवल श्वास, अशोक भैया अभी नाड़ी शुद्धि नहीं है, पूरा ध्यान दीर्घ श्वास पे करे, लंबी श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े, धीरे श्वास भरे पूरक करे, धीरे धीरे श्वास छोड़े,
इसी दीर्घ श्वास को कुंभक के साथ करते हैं, यानी श्वास भरे रोके कुंभक करे, जितनी मर्यादा है उतना ही करे, फिर श्वास छोड़े। करिए, श्वास भरे रोके और छोड़े, पूरा कुंभ रेच इन्हे होल्ड इनसाइड, एक्सेल। शांत, इतना ही मैं प्रयोग करा रही हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन देके और प्रयोग कराते हैं इसका, थोड़ी एक जानकारी देके हुए प्रयोग कर। चलिए, इसका अनुपात कितना होना चाहिए, यानी पूरक कितना होना चाहिए, रेचक कितना होना चाहिए, उसको अनुपात बोलते हैं। ये मत बताओ कि सेकंड मतलब कितना प्रमाण होना चाहिए, उतना थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। 1 4 2 करेक्ट, ये किसने बताया? 1 4 2 नहीं मधु जी, 1 4 2 बताया है किसी ने, वो परफेक्ट था। 1 4 2 करेक्ट बताया है, मुझे नाम दिखा नहीं, इतने में वो चला गया, कोई बात नहीं है। तो अनुलोम विलोम, 1 मिनट में देखती हूँ किसने बताया, नाम आता है तो। हाँ, 1 4 2 स्मिता, स्मिता नलावड़े, स्मिता नलावड़े ने बताया, ये प्रमाण परफेक्ट है। देखिए, स्टार्ट करेंगे जब दीर्घ श्वसन, तो आप विधिवत करो, इसलिए मैं धीरे धीरे जाऊंगी। कुंभक पर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। देखिए, 1 4 2 इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। यानी अगर हमने 4 अंकों में पूरक किया, 4 अंकों में पूरक किया, तो 4 के 4 चौगुना कितना होगा? 16। 4 4 8 4 12 और 16, तो 16 अंक में कुंभक करना है और 8 अंक में श्वास छोड़ना है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि दीर्घ श्वास जैसे प्रयोग में भी कुंभक बहुत अधिक दिया हुआ है। ध्यान दो आप, कुंभक का इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका अनुपात में प्रयोग में भी हमें 4 16 और 8 करना चाहिए। और इस प्राणायाम को भी क्या बोलते हैं, ये सबसे लोएस्ट कनिष्ठ प्राणायाम है, ये कनिष्ठ है। आप लोग तो काफी जुड़े हुए, तो आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उत्तम प्राणायाम में कितना हो सकता है, उत्तम प्राणायाम में इसका प्रमाण कितना हो सकता है? उत्तम प्राणायाम, उत्तम प्राणायाम, देखो एक मध्यम प्राणायाम है, एक कनिष्ठ प्राणायाम है, एक उत्तम प्राणायाम। आप अगर द बेस्ट प्राणायाम करना चाहते हो तो प्रमाण क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है? जैसे हमारे धर्मेश मुनि जी पहुंचे, वैसे हमें इस दीर्घ श्वास में भी थोड़ा 20 80 40 करेक्ट, 20 80 और 40। स्मिता जी शायद इस बारे में जानती है, बहुत अच्छा है स्मिता जी। तो ये प्रमाण है वो 20 40 80 40, मतलब सोचो 20 सेकंड आपने श्वास लिया, 20 सेकंड श्वास लेना किसको कहते हैं? प्रयोग करके देखें, और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। इसकी प्रैक्टिस करने की भी एक सिस्टम होती है। 16 16 64 और 32 मध्यम प्राणायाम है, 16 64 और 32 मध्यम प्राणायाम है, 12 48 और 24 ये कनिष्ठ प्राणायाम है, और हम जो कर रहे हैं ना, कौन सा 4 16, ये तो कुछ गिनती में ही नहीं है, ये तो ठीक भी नहीं है, अच्छा ही नहीं है। तो आप जो अभ्यास हुए, तो आपको सबसे पहले करना चाहिए वो मध्यम कनिष्ठ प्राणायाम करना चाहिए, यानी 12 सेकंड तक लेने की कोशिश करनी है, 48 सेकंड तक उसको रखना है और 24 सेकंड में छोड़ना है। ये अनुपात आप लिख लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसका प्रयोग आपको करके प्रैक्टिस करनी है, बहुत आगे भी हम जा सकते। तो
अगर आपसे कुंभक नहीं होता है, कुंभक का प्रमाण ज्यादा है, तो आप केवल स्टार्ट में कनिष्ठ प्राणायाम कीजिए, यानी 12 अंक में श्वास लीजिए और 24 अंक में छोड़ना। एक प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करो, 12 सेकंड में मुझे श्वास लेना है, ये कल्पना करते हुए 24 सेकंड में छोड़ना है। तो मैं अभी 12 अंक देती हूँ और 24 अंक देती हूँ, देखते कितने लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, एक बार सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे, श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़े 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23। एक बार और करें, श्वास भरे, 2 3 4 11 12, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23। शांत, रिलैक्स। कितने लोग कर पाए इसको, कितने लोगों के लिए? मुझे लगता नहीं कि इतनी अभ्यास, वाओ, चंदा चोपड़ा तो कर पाई होगी, शायद कोमल सिपानी भी कर पाई होगी, अशोक भैया ने किया, गुड जॉब। कोमल का तो हुआ होगा, कोमल से बात भी करनी है, बात नहीं कर पा रही हो, कोई बात नहीं चंदू जी, प्रैक्टिस करो। 10 का टारगेट रखो, पहले 10 करना है और 20 करना है। 10 अपना अपना श्वास गिनो, इसमें अपने को खुद को गिनना है कि मैं कितने तक ले जा सकती हूँ। और इसमें भी पहले आप रेचक गिनो, रेचक इम्पोर्टेंट। अगर आपका रेचक, अभी एक बार केवल रेचक गिनो ना, आप श्वास भरो और अपना रेचक गिनो, जितना भरना है भरो और छोड़ो, रेचक गिनो, 1 2 3 4 5, गिनते जाइए। रेचक कितना होता है वो देख लीजिए। अपना अपना रेचक देख लीजिए। चलिए, कितना मैक्सिमम आया है, किसका प्रमाण में कितना आ रहा है? सबका थोड़ा बढ़ रहा है, जितना पहले कर रहे थे उससे बढ़ रहा है। और उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, प्रैक्टिस करना है 8 दिन के लिए। लास्ट टाइम मैंने कुंभक के बारे में जानने के लिए केवल कुंभक की प्रैक्टिस करने को बोला था, याद है? आप लोग थोड़ा ध्यान दो, श्वास लेते और छोड़ते, अपने आप वहां एक श्वास रुकता है, उसको केवल कुंभक बोलते हैं। तो हमें केवल कुंभक जानना है, अंत कुंभक जानना है, बाह्य कुंभक जानना है। कुंभक बहुत इंपॉर्टेंट, पर कुंभक तभी होगा जब आपका श्वास का प्रमाण व्यवस्थित होगा, तो कुंभक तभी साधेगा। और कुंभक होने के लिए एक और बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, प्राणायाम में एक बात और करना जरूरी है, तब आपका कुंभक अच्छा हो। वो कौन सी बात है बोलिए, इंपॉर्टेंट बात है, उसके बिना प्राणायाम होता नहीं। और जो करते हैं उसको प्राणायाम कहते नहीं, मतलब योगा के किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है, ये चीज नहीं होगी तो ये प्राणायाम नहीं है। कौन सी ऐसी चीजें बताइए? लॉन्ग ब्रीथ नहीं कोमल जी, इसके साथ सहायक है, वो करना पड़ता है, अभी हम लोग ज्यादा करते नहीं उसको, करना बहुत जरूरी होता है। बताइए, यस, कोई और बता सकता है? श्वास पर नहीं, पूरा ध्यान श्वास पर नहीं, चीज वो सिंपल चीज है, ये तो हो गई तब, ये जो नहीं हुई है वो पूछ रही हूं मैं, क्योंकि मैं नई चीज होती है तभी इतना कहती हूं। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और उसके बिना प्राणायाम सही में होता ही नहीं है, बिल्कुल होता ही नहीं है। और उसकी बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो, उसके बिना करने से बहुत तकलीफ भी पाते हैं आप लोग। अगर सुविधा पूर्वक अच्छा करना है तो ये 3 बातें जानना बहुत जरूरी, 3 बातें हैं।
उसको तीन बात से जुड़ा हुआ है, मैंने हिंट दी है आपको, तीन बात से जुड़ा हुआ है। चलिए कोई आ नहीं रहा है तो मैं बताती हूँ कि तीन मुद्रा, त्रिमुद्रा, बंध, बंध बांधना जरूरी है, जब तक बंध नहीं बांधेंगे, जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध, ये तीन बंध नहीं बांधेंगे तब तक आपका कुंभक सही नहीं होगा। अच्छा कुंभक यानी जो मैंने उत्कृष्ट कुंभक बोला है, जो मैंने मध्यम कुंभक बोला है, ये कुंभक करने के लिए सबसे जरूरी है कि ये तीन बंध बांधने। प्राणायाम अर्थात कुंभक, प्राणायाम का अर्थ ही कुंभक है। आप बोलेंगे आप कुंभक की बात नहीं कर रहे हो, आपको पता है प्राणायाम का अर्थ कुंभक है, कैसे बताओ मुझे, प्राणायाम का अर्थ कुंभक है। हाँ बोलो मधु जी, लिखो, प्राणायाम का अर्थ कुंभक है, कैसे, स्पष्ट रूप से उसका, पातंजलि ने कुंभक शब्द यूज नहीं किया है, प्राण पर आयाम, नहीं सम नहीं स्मिता जी। चलिए मैं 1 मिनट में बता देती हूँ। देखो पतंजलि ने जो व्याख्या की, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, देखो तस्मिन सति का अर्थ क्या होगा, तस्मिन सति, तस्मिन सति इसका अर्थ है कि आसन सब होने के बाद, प्राणायाम कब करते हैं, आसन के बाद, क्यों, कि उससे शरीर सुदृढ़ होता है, दृढ़ होता है, शांत होता है और प्राणायाम के लिए तैयार होता है, इसीलिए हमें प्राणायाम करने से पहले अच्छी तरह से, अच्छा क्या बोलते हैं उसको, शरीर को तैयार करना पड़ता है तब प्राणायाम अच्छा होता है। तो ये जो प्राणायाम करना है उसका कालावधि अच्छा होने के लिए अभी हमने सबसे पहले तस्मिन मतलब आसने वगैरह सब पूर्ण करने के बाद, तस्मिन सति उसके बाद श्वास प्रश्वास, श्वास देखो उन्होंने पूरक और रेचक नहीं कहा, पतंजलि ने क्या कहा है, श्वास प्रश्वास कहा है, और पूरक और रेचक कहाँ कहाँ गए, हट हट योग में कहा गया, तो पूरक और शब्द हट योग का है और ये शब्द जो है ये तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, गति का विच्छेद करना यानी रोकना, उस गति को विच्छेद करना, रोकना, श्वास लेना और छोड़ना दोनों को रोकना, गति विच्छेदा प्राणायाम यानी कुंभक करना वही प्राणायाम। ध्यान से सुनो आप, ये सत्य है कि कुंभक त्रिबंध से होता है, परंतु पहले हर बंध का अभ्यास स्वतंत्र करना पड़ता है, इसीलिए आप इसको व्यवस्थित जाने और उसके साथ करें तब आपका वो अच्छा होगा, और उसी को प्राणायाम को ही हम कुंभक कहते हैं। तो इस प्रकार कुंभक होता है, और हमें पतंजलि ने जो बताया वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, फिर हठयोग क्या कहता है वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, उसके बाद किरण संहिता क्या कहती है ये जानेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी अभ्यास की जरूरत है, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम पूरा का पूरा अभ्यास करके आएंगे और ये सब स्टार्ट करेंगे और करेंगे और प्रयोग करेंगे। कितने लोगों ने केवली केवल कुंभक का अभ्यास किया है, केवल कुंभक का अभ्यास कितने लोगों ने किया, केवल कुंभक, केवल कुंभक का अभ्यास किसने किया, आप अभ्यास नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, फिर कुंभक तो मैं आज शुरू ही नहीं करने वाली थी क्योंकि मैंने आज एक अभ्यास दिया था 8 दिन के लिए, पर अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो मैं आगे क्यों जाऊं, मैं वही रुक जाऊंगी जब तक आपका अभ्यास नहीं शुरू होता है तब तक। तो चलिए आज आपको अभ्यास दे दिया, देखिए शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि दीर्घ श्वास का अभ्यास करने के लिए आपको सोना है, सो के दोनों पैर पीछे लेना है, तो तड़ागासन बोलते हैं, तड़ागासन, तो उस तड़ागासन में आपको जाना है, मेरी बैटरी भी लो हो रही है, और आनंद भाई जी है क्या, आनंद भाई जी, जी हाँ आनंद भाई जी, अभी आप ध्यान देना इन लोगों को, आगे का अगर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो आप इन लोगों का समताल श्वास परीक्षा लेना है, और कुछ क्वेश्चन होता हम आगे पूछेंगे, पर आपको सोना है, दोनों घुटने पीछे लेने हैं और
आराम से रिलैक्स, हाथ ऐसे रख के आराम होना है, तड़ागासन बोलते हैं। उस तड़ागासन में आप जाइए, पेट पे हाथ रखते हुए आप देखिए कितना लंबा श्वास ले सकते हैं, कितना आप श्वास छोड़ सकते हैं। तो आप नोटबुक लीजिए, आपकी गिनती कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपकी नोटबुक देखूंगी, अगले मंगलवार सबकी नोटबुक देखेंगे, यानी वो पेज देखेंगे कि कितना प्राण आपको सद गया है। तो आप मध्यम में हो, उत्कृष्ट में हो कि सामान्य से नीचे हो, ये सब हमको थोड़ा पहला करेगा। और उसके बाद हम पूरा कुंभक का, यानी कुंभक का अर्थ तो मैंने बताया दिया कि प्राणायाम यही कुंभक है, और वो कुंभक करने के लिए तीन बंध भी कैसे उपयोगी पड़ते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। और समताल श्वास प्रेक्षक अभ्यास आप घर नहीं करते तो मुझे लगता है आनंद भाई जी आपसे 10 मिनट आनंद भाई जी करवा लेंगे। आज आनंद भाई जी समताल श्वास प्रेक्षा करवा रहे हैं, तो सभी समताल श्वास प्रेक्षा के लिए तैयार। और 10 मिनट आनंद भाई जी अपने जी सेकंड लेना, पांच रोकना, पांच छोड़ना, या इन लोगों के लिए आप सात सात दे करो आनंद भाई जी, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपने लोग पांच के लेवल के नहीं है, सात के लेवल के। नौ के करे तो बहुत ही अच्छा, पर नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से कीजिए। ओम अरहम। तो आप ओम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट अभी टाइम नहीं बढ़ूंगी। कुंभक का महत्व तो क्या है ये तो हम सबने जाना। और अभी जो हमारा मॉर्निंग का जो सेशन चल रहा है, जो समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग जो चल रहा है, वो यही तो है और है क्या? समवृत्ति श्वास प्रेक्षा ध्यान में इसे समवृत्ति श्वास प्रेक्षा बताया गया है। समवृत्ति में हम पहले क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, इससे लेना, इससे छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, ना जो नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन का ही प्रयोग समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। और ये चीज एक आप जैसे अलका जी ने भी बताया बिल्कुल सही कि बिना कुंभक के प्राणायाम होता नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। तो अभी आप लोग इतने दिनों से कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हैं हम लोग, और जो समवृत्ति श्वास प्रेक्षा कर रहे हैं उसमें भी हम कुंभक के साथ, पहले बिना कुंभक के शुरुआत होता है, उसके बाद हम कुंभक से के साथ करते हैं। तो आप आज मेरे ख्याल से समवृत्ति श्वास प्रेक्षा की आज 11वीं कड़ी थी, 11-12 दिन हो गया है। तो आप लोग कल सुबह की क्लास में जुड़ रहे हो रेगुलर, आप लोग में से कौन कौन हमारे सुबह के सेशन में ज्वाइन कर रहे हो आप? यस कोमल जी, अशोक जी तो कह रहे ही, चंदा जी भी जुड़ दिए। चंदा जी भी आप सुबह के कल सेशन में अटेंड कर रहे हो ना? यस मधु जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो हमारा अभ्यास, इससे पहले भी मैंने बहुत बार देखिए एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग की क्लास ली हुई है, और उसमें मैंने बहुत से एक्सरसाइज आपको बताई थी। जो बात आज अलका जी ने कही वो बात मैंने पहले भी कही थी आपको, अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग क्या होता है कि प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करना, प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करना। और ये बात मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं चलती है, दो प्रकार की क्रियाएं चलती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। आप लोगों को याद होगा ऐच्छिक क्रिया कौन सी है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ, ये हमारी इच्छा है तो ये हम करते हैं, नहीं इच्छा हो तो हम नहीं, उसको रोक भी सकते हैं, इसको बोलते हैं ऐच्छिक। अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हमारा रात दिन चलता है, हम उसे रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। श्वास की क्रिया रात दिन 24 घंटा चलती है, अनैच्छिक है। लेकिन क्या कह रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से, अनैच्छिक क्रिया को ऐच्छिक बना सकते हैं, ऐसी क्रिया केवल श्वास की क्रिया है। इसको हम प्रयास पूर्वक लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं श्वास को। जो अनैच्छिक क्रिया है उसको हम ऐच्छिक बना सकते हैं, और इस ऐच्छिक बनाने का जो काम है, ये जो ये क्या है, प्राणायाम है। समझिए इस बात को, अनैच्छिक क्रिया को प्राणायाम के द्वारा हम ऐच्छिक बना सकते हैं। श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, रोकना, ये हमारे हाथ की बात है। और जब हम नींद में होते हैं, हमारा श्वास चलता है, अपने आप चलता है।
अनिश्चित रहता है, उसको हम प्राणायाम के द्वारा ऐच्छिक बना सकते हैं। तो श्वास की क्रिया जो है, श्वसन की क्रिया अनैच्छिक भी है ऐच्छिक भी है, इस बात को आप नोट कर सकते हो। इसको हम अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों कह सकते हैं। तो अभी प्रयोग, वैसे तो अलका जी ने थोड़ा छोटा सा प्रयोग करवाया था, 5 मिनट का समय है हमारे पास, तो मैं चाहूंगा आप लोगों में से कोई प्रयोग करवाए आज। कौन करवाएंगे 5 मिनट का प्रयोग, समताल श्वास प्रतीक्षा का? हैंड राइज कीजिए। यस, कोमल जी, कोमल जी मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। कोमल जी, 5 मिनट समताल श्वास प्रतीक्षा का प्रयोग, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, छोड़े, श्वास रोके, श्वास भरे, श्वास रोके, श्वास छोड़े, श्वास रोके, श्वास भरे, श्वास रोके, श्वास छोड़े, श्वास रोके, श्वास भरे, श्वास रोके, श्वास छोड़े, श्वास अरहम, ओम अरहम। तो अभी हमने 5 सेकंड श्वास लेना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड बाहर रोकना, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक इसमें दोनों आ गए। तो ये अभी हमने देखिए, इसमें हमने दोनों स्वर हमारा चालू था, दोनों स्वर चालू था। और जब हम समवृत्ति श्वास प्रेक्षा करते हैं तो उसमें क्या होता है,
राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना, ऑल्टरनेट होता है, तो वो इससे ज्यादा एडवांस है। अभी तो हमने प्रयोग किया, इससे भी ज्यादा एडवांस प्रयोग हमारा चल रहा है सुबह, समता समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, इससे नाड़ी शोधन प्राणायाम अभी बताया अलका जी ने, और अनुलोम विलोम प्राणायाम, हम सब कहते हैं अनुलोम विलोम, जैसे बताया कि एक्चुअल में अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें हम कुंभक नहीं करते, जहां कुंभक नहीं है वो प्राणायाम नहीं कहलाता है। अनुलोम विलोम एक श्वास की क्रिया है, श्वास की क्रिया है, नाड़ी शोधन जो है वो प्राणायाम है। नाड़ी शोधन में हम इससे लेते हैं, रोकते हैं, और इससे छोड़ते हैं और रोकते हैं। तो इस बातों को, कुछ बातें हमें क्लियर करनी है, हम अगले सेशन में इसको और क्लियर करेंगे, अलका जी अगले सेशन में जुड़ेगी हमारे साथ और इसको अच्छी तरह समझेंगे, तो समय और हमारा कोई जी प्रश्न प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी 2-3 मिनट है। 2-3 मिनट है। अशोक जी, अशोक जी को पूछना है कुछ। अशोक जी, यस जय जिनेन्द्र। जैसे अपन 10 के अंक से कई बार श्वास लेना, रोकना, छोड़ने का प्रक्रिया करते हैं, तो जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो लगभग 6 या 7 तक पहुंचती है, फिर श्वास रुक जाता है, तो रुकने वाला प्रमाण फिर 10 की जगह 13 हो जाता तो चलता है, या जब छोड़ते हैं तो उससे ज्यादा अपन टाइम लगा सकते हैं, रोकने में नहीं लगा सकते। देखिए अशोक जी, एक्चुअली ग्रंथों में जो दिया है मैं आपको वो बताती हूँ कि आपको पहले हमेशा रेचक चेक करना है, रेचक पहले चेक करना पड़ता है। रेचक तो लंबा मेरा रहता है। रेचक कितना होता है, समझो मेरा रेचक अगर 10 होता है, 10 होता है, तो सबसे पहले आपको पूरक और रेचक का प्रमाण कंफर्म करना है। रेचक अगर आपका 10 होता है तो आपको 5 सेकंड में श्वास लेना है, 10 सेकंड में छोड़ना है, 5 में लेना है, 10 में छोड़ना है। अब ये कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको मैंने जैसे बोला कि तड़ागासन में बैठना है, तड़ागासन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम चाहे तो मैं तड़ागासन करके उसमें भी प्रयोग करके दिखाऊंगी। तो आप जब तड़ागासन में लेट जाओगे ना तो कंफर्टेबल रहते, मतलब बैठने से भी थोड़ा इतना कंफर्ट नहीं रहता है एकदम सोने से कैसे। और वो बैठ तड़ागासन में आप देखोगे ना, हम सीधा सोते तो हमारे कमर के नीचे हाथ जाता है, पर तड़ागासन में छोड़ेंगे सोएंगे तो कमर के नीचे हाथ नहीं जाता है। आप ये प्रयोग घर पे करेंगे तब ध्यान देना कि जब सीधे सोएंगे तो आपका कमर के नीचे हल्का सा हाथ जाएगा, तड़ागासन किएंगे तो ये यही रुक जाएगा, अंदर जाएगा नहीं, मतलब इतना फ्लैट होता है पीठ और पेट एकदम हल्का होता है। तो इसमें प्रयोग करके अशोक जी इसको बढ़ाना पड़ता है और कोशिश करके ट्राई करके एक-एक प्रयोग करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर अपन और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ओम अच्छा अर्थम। कांता, कांता कांता जी, कांता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जी नैन आंटी, वो सांस छोड़ते हैं ना तो ज्यादा देर नहीं रुकने को होता है मेरे से। हाँ सबसे प्रॉब्लम वही होती है, फटक के श्वास छूट जाता है और वो ना, बहुत बहुत मतलब अच्छा नहीं है। क्यों कि हम धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे और ज्यादा निकलना चाहिए, इसलिए अनुपात में 1 और 2 प्रमाण दिया है। क्योंकि अंदर की गंदगी निकालने का एक ही रास्ता है, वो कौन सा है कि रेचक करना यानी श्वास छोड़ना। जितना श्वास छोड़ तो आपको क्या करना है, भले आप श्वास कैसे भी लो, पूरा ध्यान रेचक पे देना है और उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न से आप डेफिनेटली यशस्वी हो जाओगे, श्योरली। अच्छा, हाँ और समझो सामायिक जी, भी कर सकते हैं। हाँ सामायिक में कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ओ कुछ प्रयोग है योगा के भी हल्के फुल्के कर सकते हैं, मुझे पता है कि इसमें दोष लगते हैं, वो शारीरिक दोष 10 होते हैं, मानसिक होते हैं, 32 दोष होते हैं सामायिक के, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए बहुत जोर जोर से नहीं करना है, बोलो। तीव्र वगैरह नहीं करना है, हल्का सा आप प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, चंदू जी, जय जी ने सर। सर आपने जैसे बताया कि अनुलोम विलोम जो करते हाँ हैं अपने साथ लेते करते हैं, वो प्राणायाम नहीं है। वैसे तो अपन प्राणायाम ही बोलते हैं ना रोज के, भी अनुलोम विलोम प्राणायाम अभी मैंने क्या बोला है, आपको, अनुलोम श्वास लेना श्वास। विलोम श्वास की क्रिया है जिसमें कुंभक नहीं। अभी अलका जी ने भी क्लियर किया इस बात को कि कुंभक, जहां प्राणायाम जिसको बोलेंगे उसमें कुंभक जरूरी होता है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। चंदू जी जैसे मैं समझने की नहीं कोशिश करो कि कर रहा आनंद भाई का कि शब्द,
कुंभक हो नहीं होगा, वो कभी भी प्राणायाम नहीं होगा। इसीलिए कपालभाति को भी प्राणायाम कहते हैं, वो प्राणायाम नहीं है, एब्सोल्युटली प्राणायाम नहीं क्रिया है। है। लोग बोलते प्राणायाम है, प्राणायाम है, अपने किताबों में भी लिखा है, ये बात हमारे पहले सेशन में भी पर हमने बताई होगी क्लियरली आप लोगों को। वो शुद्धि क्रिया है, शुद्धि क्रिया बोलते हैं उसको, अनुलोम विलोम शुद्धि क्रिया है। ये सारे नाक को क्लीन करना, प्राणायाम की पूर्व तैयारी करना उसके लिए यूजफुल है। तो जैसे आनंद भाई जी ने बहुत मेरे से भी क्लियर कर लिया कि जहां कुंभक नहीं वो प्राणायाम नहीं है, बस वो कहां लोग क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते तो बोलते क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा है। तो आपका ज्ञान तो हम क्लियर कर रहे हैं ना, तो आप इसको मत मानो कि ये प्राणायाम है, ठीक है। चलिए टाइम तो हो गया है, कोई है तो पूछ लो वरना समय एंड संपन्न करके। हो रहा है हमारा। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, आनंदमय मैं आनंदमय हूं, हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूं, मेरे हूँ, मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत आनंद शक्ति का का, अनंत सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे शक्ति जीवन का का परम परम लक्ष्य है। परम हमारा लक्ष्य है। आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय शांतिमय हो, इन्हीं शुभ शांतिमय भावनाओं के साथ ओम आनंद शांति भाई शांति शांति। कृतज्ञो जी। सुखाय आनंद भाई अवसाद जी एक देव क्या कांता भाई। पारक कुछ पूछ रहे, कांता पारक कुछ पूछ रहे हैं। यस कांता जी, बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैं 6 का वो ले सकती हूँ, 6 ले सकती हूँ, 12 छोड़ सकती हूँ, पर तब थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश करती हूँ तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, वो क्यों? देखिए वास्तव में आपको है ना, कोई भी चीज अपने शरीर को सूट होती उतनी ही करनी है, वो समझ लेना कि आपके लिए वो सूटेबल नहीं है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी। बस एक है कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी कि मेरी जो शक्ति है वो बढ़ने वाली है, आज मैं 5 ले रही हूँ, 6 ले रही हूँ, तो मैं कल 7 तो ले लूंगी। इस तरह अपने आप को भावित कीजिए, भावना बहुत बड़ा काम करती है। जैसे जैसे मानसिक तैयारी भी हो जाएगी तो शरीर अपने आप उसको तैयार करेगा और वो प्रमाण बढ़ता जाएगा, तो आप आराम से 10 तक पहुंच जाओगी, पर आपको पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा अपने भाव के साथ देनी पड़ेगी, ठीक है। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, रोज। ओम अरहम।